just a bodyguard. हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के भी मूवीज अपडेट में। गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तेलुगु लैंग्वेज मूवी द गोस्ट की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। और गाइज, आज है इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पर दूसरा दिन और ये मूवी है तेलुगु लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर। गाइज, मैं आपको बता दूं, ये मूवी प्रवीण सत्तारू के डायरेक्शन बनी थी, तो वही इस मूवी को प्रोड्यूस किया था श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा ने। गाइज, इस मूवी में नजर आए थे नागार्जुन सर, सोनल चौहान, गुल पनंग और अनिका सुरेंद्रन। गाइज, इस मूवी का बजट लगभग 80 करोड़ रुपए था, तो वहीं इस मूवी ने रिलीज से पहले 90 करोड़ रुपए की रिकवरी करी थी। और वहीं इस मूवी को वर्ल्ड वाइड लगभग 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। और अगर बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो गाइज मैं आपको बता दूं, इस मूवी का जो कलेक्शन है वो उम्मीद से काफी कम रहा है। और उसकी वजह है इस मूवी का क्लेश गॉड फादर से। इसका ये दोनों ही मूवी तेलुगु लैंग्वेज है और इसके चलते इस मूवी का जो ऑक्यूपेंसी है वो काफी कम रही। तो गाइज, ऑक्यूपेंसी कम होने की वजह से इस मूवी का जो पहले दिन का कलेक्शन है वो भी काफी कम आया है। तो गाइज, इस मूवी ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड कमा लिए है लगभग 18 करोड़ रुपए। और अगर बात करें आज यानी कि इसके दूसरे दिन के कलेक्शन की, तो गाइज आज की ऑक्यूपेंसी कल से भी काफी कम नजर आ रही है। तो ये मूवी आज लगभग 12 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर सकती है। तो अगर ये मूवी आज वर्ल्ड वाइड 12 करोड़ रुपए कमा लेती है, तो इस मूवी का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 30 करोड़ रुपए। गाइस, दो दिन और 30 करोड़ रुपए और इस मूवी को हिट होने के लिए कम से कम 95 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी। तो अब देखना यह है कि ये मूवी इतने करोड़ की कमाई करके हिट हो पाती है या फिर रह जाती है फ्लॉप। तो गाइस, ये थी द गोस्ट मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें, और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।